अगर मैं आपसे कहूँ आपका नाम, आपकी एज, आपका रिलीजन, आपका मोबाइल फोन नंबर या आपका आधार कार्ड नंबर कोई भी सिर्फ 500 रुपए दे के बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, आज हम बात करेंगे जो हमारे इंडिया में स्कैम चल रहा है आधार से रिलेटेड, उसके बारे में। तो जो अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अथॉरिटी जो है, जो उसको पूरा आधार को करती है, उसका नाम है UIDAI, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये पूरा संभालती है। अब बेसिकली हुआ क्या कि इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही थी कि कुछ ऑथेंटिकेशन एरर आ रहे थे, जैसे कि हम जो अपना थंब इम्प्रेशन या जो आयरस या अपनी आंखों का जो स्कैन करवाते हैं, तो उनमें क्या हुआ कि वो जो थी हम लोग ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत से लोगों की मिसमैच हो गई थी। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए UIDAI ने क्या किया कि उसने बहुत से विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर्स उठाए और उनको अपने डेटाबेस का एडमिन एक्सेस दे दिया कि आप फिर से ऑथेंटिकेशन करवाइए लोगों का और फिर से हमको रिपोर्ट करिए। तो उन जो विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट करी, ठीक है, और उन्होंने उसके वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिन एक्सेस बना दिए और उन्होंने व्हाट्सएप पे उन एडमिन एक्सेस को 500-500 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो उस बंदे को सबसे पहले इस बात का इल्म हुआ, उनका नाम था भारत भूषण कुमार। तो भारत भूषण कुमार को जब इस बात के बारे में खबर हुई, तो उन्होंने UIDAI को एक एप्लीकेशन लिखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है और 500 रुपये में पूरा आपका डेटाबेस बिक रहा है। तो उस चीज़ को UIDAI ने सीरियस नहीं लिया और उल्टा एक FIR लॉन्च कर दी उनके ऊपर। फिर ये गए ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल एक चंडीगढ़ का न्यूज़पेपर है और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है और 1947 में इसका बहुत बड़ा एक योगदान था। तो ट्रिब्यूनल के पास गए तो ट्रिब्यूनल के रिपोर्टर्स ने इस चीज़ पे गए, उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया व्हाट्सएप के, वहाँ पे रिंग हुई, उन्होंने बात करी और उन्होंने 500 रुपये में वो लिया और फिर उन्होंने 4 जनवरी को इसको पूरे पे अपने न्यूज़पेपर पे निकाला कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब ये चीज़ UIDAI ने देखी तो उसने उन बंदे पे, जो भारत भूषण कुमार थे, उनके ऊपर एक FIR अलग से लॉन्च कर दी कि ये बंदा उस फ्रॉड में इंडल्ज है। तो इस तरीके से हमारी जो है आधार की जितनी भी डिटेल्स हैं, वो 500 रुपये में कोई भी खरीद सकता है और 1 बिलियन अकाउंट्स कोई भी ईजिली, बहुत ईजिली अडॉप्ट कर सकता है। अब आप ये सोचेंगे हमारे पास तो कुछ छुपाने के लिए है नहीं और किसी को अगर हमारा नाम, नंबर या एड्रेस पता भी चल गया तो क्या ही बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वेल, मैं आपको बताऊं कि इससे क्या दिक्कत होगी। आधार से रिलेटेड कुछ बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं जिनको एक आध दो को मैं अभी बताऊंगा, और ये जो ट्रिब्यूनल पार्ट है ये तो बहुत एक छोटी सी स्टोरी है, इससे बहुत बड़े बड़े चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स क्या होते हैं? फिशिंग स्कैम सुनने में लगता है कि बहुत ही वाहियात चीज़ है या उस पर सिर्फ जो बेवकूफ़ होते हैं वही फंसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो फिशिंग स्कैम में ये होता है, किसी इंसान को आपका फ़ोन नंबर मालूम है, आपका नाम मालूम है और आपका एड्रेस मालूम है, तो वो क्या करेगा, वो आपको कॉल करेगा कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ और आपके आधार जो है वो अभी तक लिंक नहीं हुआ है, तो आप मुझे, मैं आपका आधार यहाँ से लिंक कर रहा हूँ ऑनलाइन और आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, आप ज़रा मुझको OTP बताइए। तो इंसान सोचेगा कि इस आदमी को मेरा नंबर मालूम है, मेरा एड्रेस मालूम, मेरा फ़ोन नंबर मालूम है, ये स्टेट बैंक से बोल रहा है जहाँ पे मेरा अकाउंट है। तो आप उसको वो जब OTP देंगे तो उस OTP के थ्रू वो आपसे पैसे ले सकता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। और रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली अभी एक हुआ है, उसमें एयरटेल के ऊपर आया था। एयरटेल ने क्या किया कि जब भी हम न्यू सिम कार्ड लेते हैं तो आज के टाइम में हो गया कि हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, तो एयरटेल ने क्या किया कि जब आप थंब इम्प्रेशन देते हैं तो उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि पहले कहा कि आप थंब इम्प्रेशन गलत हुआ है, आप एक बार फिर से करिए, उसने आपसे 2 थंब इम्प्रेशन दे दिए। पहले इम्प्रेशन से आपको सिम कार्ड दे दिया, दूसरा जो इम्प्रेशन था उस इम्प्रेशन को लेके एयरटेल ने क्या किया कि एक बैंक अकाउंट खोल दिया, उस बैंक अकाउंट से आपकी जो सब्सिडी आती है गवर्नमेंट से, उस सब्सिडी को लिंक कर दिया। तो इसकी वजह से 31 लाख यूज़र्स के इन्होंने सब्सिडी अकाउंट बनाए थे, जिसकी वजह से जब ये UIDAI को पता चला तो उसने इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे ही वो लाइसेंस फिर से उनका रिन्यू हो गया और कोई भी बड़े न्यूज़ चैनल जितने भी हैं हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल, उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि प्राइम टाइम में आज के टाइम में कुछ नहीं होता है, बस वो 9 बजे आके बैठ जाते हैं और उनके पास 2 ही 3 टॉपिक होते हैं, चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, जिसमें आपका एक आ गया ट्रिपल तलाक या बाबरी मस्जिद बनेगी या वहाँ पे राम मंदिर बनेगा,
बस यही कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं पर उनके डिस्कशन होता है, जो कि वाहियात डिस्कशन होता है जिसका कोई एट द एंड ऑफ द डे कोई कंक्लूजन नहीं होता है, लास्ट में वो उनका टाइम खत्म हो जाता है। वेल तो जो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैठी हुई है तो वो हम लोग को ये सब चीज़ें पता लगने नहीं देती है। खैर इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। वेल एक ये हो गया, दूसरा ये हो सकता है कि आप हम जो शॉप पे जाते हैं, शॉप पे हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं और थंब इम्प्रेशन देने के बाद हम उस इंसान से सिम कार्ड लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब आपने थंब इम्प्रेशन दिया, वो भी ये करेगा कि आपका थंब इम्प्रेशन गलत है, एक बार फिर से दीजिए। जब आपने दो बार थंब इम्प्रेशन दिया, एक से उसने आपको सिम कार्ड दे दिया, दूसरे थंब इम्प्रेशन से उसने एक और सिम कार्ड लिया जो कि उसने किसी और को दे दिया। अब वो किस लिए? वो किडनैपिंग में, एक्सटॉर्शन में या टेररिस्ट को दे दिया गया। अब जब कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें गड़बड़ होगी, सबसे पहला नाम आपका आएगा और पुलिस उस टेररिस्ट को पकड़ने की बजाय सबसे पहले आपको पकड़ेगी कि आपके नाम से ये एक्टिविटी हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हमको दिक्कत हो सकती है फिशिंग की वजह से। वेल तो अब इस चीज़ को गवर्नमेंट टैकल डाउन करने के लिए कुछ अभी तक नहीं कर रही है। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि क्या करती है। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने व्हाट्सएप अपने फेसबुक पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले।